भाई जनाब वाला मोहतर मुस्तफा साहब और मेरे अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस उनवान पर लख कुचाई का मौका मिला है वो है 1965। जनाब वाला ये वो दिन है जब एक गिद्धा ने शेर के पिंजरे में हाथ डालने की कोशिश की थी। जनाब वाला ये वो दिन है जब हमारा दुश्मन भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन में कब्जा करने की कोशिश की थी, मगर हमारा दुश्मन एक बार भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर कब्जा करने जा रहा है उस मुल्क की धरती की हिफाजत के लिए उनके जानिसारों का लहू बोलता है। जनाब वाला हमारा दुश्मन एक बार भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर कब्जा करने जा रहा है उस मुल्क की बुनियाद रियासत मदीना पाक की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पर की गई है। 1965 की जंग में पाकिस्तानी फौज ने अपने सीने पर बम बांधकर चोंडा के मकाम पर टैंकों का कब्रिस्तान कई साबित किया तो उन्होंने साबित किया के लहू बोलता है। दौरे आयात आएगा कातले कजा के बाद दौरे आयात आएगा कातले कजा के बाद है तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। जनाब वाला उसी तरह जब बर्मा में छोटे मासूम बच्चों को जलाया जाता है तो दुश्मन एक बार भूल जाता है ते लहू बोलता है। नौजवानों पर जहरीली गैस फेंकी जाती है तो काफिर एक बार भूल जाता है ते लहू बोलता है। कातिल मरा निशान मिटाने पे बाजिद कातिल मरा निशान मिटाने पे बाजिद मैं भी सना की नौ पर सर छोड़ जाऊंगा लश्कर के।